नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रे के दिन चल रहे हैं, माँ की सीधी कृपा चाहते हैं। आपके बनते बनते काम रह जाते हैं, या नज़र लगी हुई है, किसी ने कुछ कर दिया है, या आप चाहते हैं कि धन का आगमन हो, तो आज मैं आपको कुछ टोटके बताने जा रही हूँ। नवरात्रों के दिनों में कभी भी आप इन्हें कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा इनका। तो इससे वीडियो शुरू करने से पहले सब कहिए जय माता दी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, कुंडली रिलेटेड कोई समस्या हो, क्योंकि हमारी लाइफ में जितनी भी समस्याएं ज़्यादातर आती हैं वो कुंडली के ग्रह नीच होने पर आती है। तो अगर कुंडली दिखाना चाहें तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली देखने के हमारे चार्जेस हैं। अगर आपके पास अपना सही जन्म तारीख समय नहीं है तब भी आपकी कुंडली तैयार हो सकती है। नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो चलिए बात करते हैं उपाय की। किन दिनों में अगर आप ये टोटके करेंगे तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। अगर आपके काम बनते बनते रह जाते हैं, रुक जाते हैं, आपके कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो आपको एक लाल झंडा लेना है, लाल झंडा लेना है, चाहे प्लेन हो चाहे जय माता दी लिखा हो उस पे, वो आप नवरात्रों में कभी भी किसी भी मंदिर में जाके चढ़ा कर आएँ। आपके जो रुके हुए काम हैं वो बनने लगेंगे, कोर्ट कचहरी के केस है वो बनने लगेंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू है तो काम बन जाएगा। अब दूसरा उपाय, जिन पर कर्जा है, जिन लोगों पर, या चाहते हैं धन का आगमन हो घर में खुशियाँ आएँ, तो आपको 7 इलायची लेनी है और कुछ मिश्री के दाने लेने हैं। इस उपाय को आप नवरात्रों में रोज़ भी कर सकते हैं, और अगर एक दिन करना चाहें तो कोई भी दिन चुन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ दिन है, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। माँ को भोग लगाना है और समय की भी कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी लगा सकते हैं। 7 छोटी इलायची ले लीजिए, 7 दाने, और ले लीजिए मिश्री के कुछ दाने, वो आपको भोग लगाना है माँ को। देखेंगे आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होगी। अब बात करते हैं नज़र की या काले जादू की। अगर आपको लगता है कि नज़र लगी है या काला जादू है या बहुत नेगेटिविटी घर में हो रही है, तो नवरात्रों में क्या ये उपाय पूरा साल आप करें, नवरात्रों में करेंगे तो बहुत जल्दी आपको इसका असर दिखेगा। आपको 2 लौंग लेने हैं, 1 कपूर की टिक्की लेनी है छोटी। अगर आप ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो दीपक या ज्योत में किसी में भी इसको जला सकते हैं, और माँ की मूरत के आगे इसको जलाना है आपको। अगर आप ज्योत प्रज्वलित करते हैं आरती करते हुए, तो उसमें भी आप 2 लौंग और कपूर डाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसको अलग से जला सकते हैं, और माँ के आगे करने के बाद इसको पूरे घर में इसकी अग्नि को लेके जाएं। आपको जो धुआं है सारे घर की बुरी नज़र को ख़त्म करेगा, काले जादू के असर को ख़त्म करेगा, और इस उपाय को आप ज़रूर करें। ये कर्ज मुक्ति में भी काम आता है, और ये काले जादू को दूर करने में काम आता है, बुरी से बुरी नज़र को ख़त्म करने में काम आता है। अगर इसको नवरात्रों के दिन में किया जाए, किसी भी दिन कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं, और किसी भी समय कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हेल्थ मीटर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह हमारी वीडियोस को प्यार देते रहिए। मैं आंचल फिर मिलूँगी नई वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड बाय।